हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो एक स्ट्रीम का पार्ट है जो मैंने कुछ महीनों पहले किया था आई गेस। सो इसे मैंने फिर से री एडिट किया है थोड़ा सा, सो एंजॉय इट। आज हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को एक कर्व के अलॉन्ग हम डिस्पर्स करेंगे, स्प्रेड करेंगे। इसके लिए हम ब्लेंडर 4.0 यूज़ कर रहे हैं और हम ज्योमेट्री नोड्स यूज़ कर रहे हैं टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि मैनुअली अपने ऑब्जेक्ट्स को सब जगह प्लेस करना इज नॉट क्वाइट प्रैक्टिकल। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्री ले लेते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। तो हम ब्लेंडर किट यूज़ कर रहे हैं ट्री का मॉडल लेने के लिए। तो हम कोई ये ट्री यूज़ कर सकते हैं। फिर हम स्केल का रेफरेंस के लिए हम एक ह्यूमन का आर्मेचर यूज़ कर लेंगे। और फिर इस कलेक्शन को मैं फ़िलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। और फिर हम क्या करेंगे कि हम कर्व ले लेंगे, एड मोड में जाकर के हम डिलीट कर देंगे और मैनुअली हम एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हमारे कर्व में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये एंकर पॉइंट्स है बेसिकली, जिसे हम रोटेट करके अपने कर्व को चेंज कर सकते हैं। तो हम ज्योमेट्री नोड्स में चले जाते हैं और एक नया नोड सेटअप बेसिकली क्रिएट कर लेते हैं। और हम इसके लिए हम फ़िलहाल के लिए हम एक क्यूब डिस्पर्स करेंगे। तो हम एक क्यूब ले लेते हैं, क्यूब है हमारा, ये रहा हमारा क्यूब। और फिर हम डिस्पर्स करने के लिए इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड यूज़ करेंगे, इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। और हमारा कर्व यहाँ से मिसिंग हो गया, कर्व को भी देखने के लिए हम एक जॉइन ज्योमेट्री नोड लेंगे। फिर अपने कर्व इनपुट को हम जॉइन ज्योमेट्री में डाल देंगे। और फिर इस क्यूब को मैश को हम यहाँ इंस्टेंस में डाल लेंगे। और फिर एक्चुअली ये हर एक पोजीशन पे एक इन मैस ऑब्जेक्ट की तरह गया है, तो इसे इंस्टेंस की तरह इंपोर्ट करने के लिए हम रियलाइज इंस्टेंस नोड यूज़ करेंगे। ये हमारे इंस्टेंस की तरह प्लेस हो गया। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो प्लेसिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है हमारे डिस्टेंस पे, वो रैंडम लोकेशंस पे प्लेस्ड है। और ये रैंडम लोकेशन भी नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें एडिट मोड में जाके, तो ये हमारे एंकर पॉइंट्स है बेसिकली जहाँ पे। अगर हम इसे यूनिफॉर्मली करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों नोड को हम कंबाइन कर लेते हैं। हम एक रीसैम्पल कर्व यूज़ करेंगे, ये डालते हम देख सकते हैं हमारा ये प्रॉपर एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे आ गया। इसका हम बेसिकली इसे यूज़ कर सकते हैं हमें नंबर ऑफ वो करने के लिए। इसमें ये हमारा बहुत सही है, लेकिन इस पर एक फ्लॉ ये है कि हम अगर इसकी साइज़ चेंज करें और कर्व को अगर हम छेड़ें, देख सकते हैं हमारा बेसिकली डिस्टेंस कम बढ़ जा रहा है हर एक के बीच में, क्योंकि चाहे हमारे कर्व का लेंथ कितना भी क्यों ना हो, ये बेसिकली 27 ही इंस्टेंसेस क्रिएट करेगा वहाँ पे। और अगर हमें यूनिफॉर्म चाहिए तो हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या कर लेते हैं, इस कर्व को डिलीट करके हम एक शिफ्ट ए एक पाथ ले लेते हैं। इसमें काउंट की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंथ का इनपुट डाल देंगे। तो ये क्या बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक हर 10 सेंटीमीटर्स पे एक इंस्टेंस प्लेस कर दे रहा है। तो इसका अमाउंट हम बढ़ा करके 5 मीटर्स कर लेते हैं, या फिर इसका अमाउंट हम जितना रखेंगे, जैसे 10 मीटर्स है, तो ये क्या कर रहा है कि हमारे दो इंस्टेंस के बीच में 10 मीटर्स का गैप दे रहा है और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है हमारे कर्व के अलॉन्ग। इसे हम और बढ़ा के 15 कर लेते हैं, तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंस्टेंसेस बेसिकली इस पॉइंट पे आ रहे हैं। अब हम इस क्यूब को डिलीट कर लेते हैं और हम अपने ट्री को यूज़ करेंगे जो कि हमारे एक कलेक्शन में स्टोर है। तो एक कलेक्शन इन्फो नोड लेकर के हम इसमें एक ट्री को इंपोर्ट कर लेंगे और इसे हम इंस्टेंसेस पे प्लेस कर देंगे। तो हम देख सकते हैं हमारा हर एक इंस्टेंस पे एक ट्री आ चुका है। तो इसे अगर हम बढ़ा या घटाएं डिस्टेंस तो हमारा वो भी चेंज हो रहा है। फिलहाल हम इसे ऐसा कर लेते हैं,
और फिर अगर हम टॉप व्यू में जाके देखें तो हमारा सारे इंस्टेंसेस का रोटेशन एक जैसा है। उसे हम चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं हमारे रोटेशन के लिए। जैसे हम रोटेट करें तो सारे एक तरीके से रोटेट हो रहे हैं, तो हम एक रैंडम वैल्यू नोड ले लेंगे और उसे हम रोटेशन पे प्लेस कर देंगे। तो देखें तो हमारा सारे रैंडम पे रैंडमली रोटेट हो रहे हैं। लेकिन फिर इसे अच्छे से रोटेट करने के लिए हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा बस ये जेड एक्सिस में रोटेट हो इंस्टेड ऑफ सब में। तो हम क्या करेंगे, एक कंबाइन एक्स वाई जेड नोड लेंगे और फिर इस रैंडम वैल्यू को हम एक्स से प्लग करके जेड में डाल देंगे। अब हम अगर टॉप व्यू में जाएं, इसका वैल्यू अगर चेंज करें तो हम देख सकते हैं ये सारे रैंडमली रोटेटेड हैं, एक इधर एक इधर एक इधर रैंडम तरीके से रोटेट हो रहा है। और फिर इस पॉइंट पे हम यहाँ पे हमारे एक सीड का वैल्यू आता है जो हर एक रैंडम असाइन करता है। और फिर सिमिलरली हम अगर इफ़ हम चाहे कि हमारा स्केल भी सेम तरीके से डिफरेंटली रोटेट हो तो हम क्या करेंगे, एक और रैंडम वैल्यू नोड लेके इसे रीसेट कर लेंगे और इसे अपने स्केल पे डाल देंगे। इसमें हम देख सकते हैं स्केल कुछ ज़्यादा ही छोटा ना हो जाए, इस वजह से हम इस पर 0.8 कर लेते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं 0.5 करके सेट कर देता हूँ और यहाँ पे हमें स्केल का भी सीड मिल जाता है। अगर हम इसे अपने इस मॉडिफायर पैनल के थ्रू हम इसे चेंज करना चाहें तो हम ज्योमेट्री नोड्स में जाके हम ग्रुप इनपुट में डाल सकते हैं हर एक चीज़। तो पहले हम अपना कलेक्शन डाल लेते हैं कि हमें कौन सा इनपुट करना है, कौन सा कलेक्शन को इंस्टेंस करना है। उसके बाद हम लेंथ डाल सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हमें वो करना है, इंसर्ट करना है। और फिर हम रोटेशन का सीट डाल सकते हैं, रोटेशन का मिनिमम, रोटेशन का मैक्सिमम। उसके बाद हम स्केल का सीट डाल देंगे और स्केल का मिनिमम और स्केल का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पे आ गया। अब इसे हम अच्छे से रीनेम करने के लिए हम अपने ग्रुप में जाएंगे और फिर हमारा कलेक्शन, तो कलेक्शन रहेगा नाम लेंथ, इसे हम चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन इंस्टेंसेस और सीड में हम सीड रोटेशन लिख सकते हैं और रोटेशन मिनिमम रोटेशन मैक्सिमम। और स्केल सीड में अपने सीड स्केल कर लेंगे और स्केल मिनिमम और स्केल मैक्सिमम। और अगर हम अभी अपने लेआउट पैनल में जाएं तो यहाँ से बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं हमारा लेंथ क्या हो गया, कितने लेंथ पे हमें ट्रीज को इंसर्ट करना है, और फिर हमारा रोटेशन का क्या सीड रहेगा, रोटेशन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना रोटेट करना है, स्केल का हमारा सीड, स्केल का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना डालना है। और फिर हमारा बेसिकली हम यहाँ कलेक्शन भी इंस्टेंस कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक क्यूब को ही ले लें, इसका कि ओरिजिन पॉइंट हम इसके बेस पे डाल देंगे, इसे अगर हम एक कलेक्शन में डाल दें, न्यू कलेक्शन क्यूब, ऐसे हम हाइड करके अपने कर्व को सेलेक्ट करके इसमें कलेक्शन में अगर क्यूब डाल दें, देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्यूब डिस्पर्स हो रहा है। तो इसका डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हमारा रोटेशन चेंज हो सकता है, स्केल हम मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं। और फिर हम एडिट मोड में जाएं और अपने ड्रॉ पैनल को लें, सॉरी एनोटेशन टूल है, ड्रॉ टूल को लेके हम जैसा ड्रॉ करेंगे हमारा उसके अराउंड एक वो हो जाएगा, कर्व बन जाएगा। तो ये रहा हमारा पैनल। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।